हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी आर्ट एंड फैशन। फ्रेंड्स, अगर कभी ऐसा हुआ है कि आप मार्केट कुछ डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन और कलर कॉम्बिनेशन सोच के प्रिंटेड फैब्रिक लेने गए हैं, जैसे मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, ये वाइट पे रेड प्रिंट है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ डिज़ाइन सोच के जाते हैं, कुछ प्रिंट हमें अच्छी लगती है, जैसे ये प्रिंट है बहुत अच्छी लगी, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन हमारी चॉइस के हिसाब से नहीं है। जैसे हम शॉपकीपर को बोलते हैं कि भैया क्या इसमें हमें ब्लू कलर मिलेगा क्या, या बैकग्राउंड ऑरेंज मिलेगी क्या, लेकिन उनके पास लिमिट कलेक्शन होती है और हमें फिर जो मिलता है हम वही लेके आ जाते हैं। तो अब आपकी जो प्रॉब्लम है इस वीडियो के ज़रिए सॉल्व होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रिंट बनाना सिखाऊंगी, बहुत इजी इसे बनाना। आप अपने चॉइस के हिसाब से डिफरेंट डिज़ाइन की, जो आप डिज़ाइन चाहते हैं, जो आप कलर प्रिंट चाहते हैं, वो आप घर पे बना सकते हैं बहुत इजी वे में। इसे करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे मैं पेंटिंग ब्रश यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी, बिना ब्रश यूज़ करें हम डिज़ाइन प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी हम प्रिंट करेंगे उस प्रिंट को बनाने के लिए ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। इस ब्लॉक को हम घर पे ही बनाएंगे बहुत ही इजी वे में और बिल्कुल लो ऑफ कॉस्ट में। वैसे तो आपको ब्लॉक इजीली मार्केट में मिल जाएगी, किसी भी क्राफ्ट शॉप में, किसी भी स्टेशनरी शॉप में, लेकिन यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट पे हम ब्लॉक बनाएंगे बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए। यानी 10 रुपये में आप बहुत सारे ब्लॉक्स अपने लिए अलग अलग डिज़ाइन के बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बिगनर्स हैं और पेंटिंग करना नहीं जानते हैं या ब्रश करना नहीं जानते हैं, आपको बहुत झंझट लगता है, टाइम टेकिंग है, या ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इससे आप अपने डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के कुर्ती, साड़ी, दुपट्टा, बेडशीट, पिलो कवर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 से 10 मिनट में। और अगर आप न्यू मदर हैं, अपनी बेबी के ड्रेस बनाना चाहते हैं, मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के बेबी प्रिंट वाले फैब्रिक मिलते हैं, लेकिन अगर आप खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं बिल्कुल लो ऑफ कॉस्ट में, अपनी बेबी की बेडशीट, उसकी ड्रेस या नाइट ड्रेस वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं अलग अलग प्रिंट में, नर्सरी प्रिंट, बॉबी प्रिंट, बेबी प्रिंट या फिर एनिमल प्रिंट, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। तो चलिए बिना देर किए हम यहाँ पर ब्लॉग बनाना शुरू करते हैं। बहुत ईजी है, जैसा कि मैंने बताया कि लो ऑफ कॉस्ट है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें, कमेंट करने में कंजूसी ना करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है ये फोम शीट। ये देखिए, ये फोम शीट कहीं भी मिल जाएगी, किसी भी क्राफ्ट शॉप में, स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी। इसका पूरा पैकेट जो है 100 से 90 रुपीज़ में मिलती है, लेकिन हमें सिर्फ एक पीस चाहिए तो एक पीस सिर्फ 10 रुपीज़ में मिलती है और इसमें हम बहुत सारे ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फोम लेंगे, ठीक है, और इसमें हम कोई भी अपनी मनचाही डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से आप जो डिज़ाइन आप चाहते हैं, जैसा भी आप प्रिंट चाहते हैं, वो डिज़ाइन आप बना सकते हैं। बच्चों के लिए जैसे ये अल्फ़ाबेट वाली है, नर्सरी प्रिंट है, फ्रूट्स वगैरह है, कुछ भी बना सकते हैं। ये वाली जो कैरी वाली डिज़ाइन है, ये देखिए मैंने बनाया है। तो इस तरह से जो भी आपको प्रिंट समझ में आता है बना सकते हैं। आप गूगल पर सर्च करके प्रिंट निकाल के उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आपको गूगल पे नहीं मिलता है, वैसे तो मिल जाएगा बिल्कुल, अगर आपको प्रिंट वैसे आप नहीं निकालना चाहते हैं तो अगर आपके बच्चे की कोई नर्सरी की बुक होगी, केजी की, तो उसमें भी बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट वाली बुक होती है तो उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंट मिल जाएगी, उसको भी आप उतार सकते हैं, इस पर प्रिंट कर सकते हैं। अगर उसमें भी नहीं मिलती है तो आप जो भी ऐप यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसमें जितनी भी इमोजेस बने हुए अलग अलग कैटेगरी में, फ्रूट्स की अलग है, वेजिटेबल्स की अलग है, और स्माइली इमोजी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी भी आप प्रिंट निकाल के इस पर ट्रेस करके बना सकते हैं। इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी कटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि
इसकी जब कटिंग करेंगे तो बिल्कुल स्मूथली कटिंग करेंगे, बिल्कुल कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा कट नहीं किया होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी कटिंग करेंगे वैसी ही प्रिंट आएगी, इसलिए बिल्कुल जैसी लाइन है वैसे ही एकदम स्मूथ आप कट करें। तो इस तरह से मनचाही डिज़ाइन में इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसे पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के लिए या तो इस तरह की कोई भी कार्डबोर्ड लेके आप उस पर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने दोबारा फोम ही लिया है, इस पर ही पेस्ट करेंगे। इसकी यानी डबल लेयर मुझे बनानी है। डबल लेयर इसलिए बनाएंगे क्योंकि जब हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करते वक्त ये फोम है, दबता है, जब दबेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा कपड़े पे, इसलिए यहाँ पे सेफ्टी के लिए हम डबल लेयर लगाएंगे। आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन डबल लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आएगी। तो पहले हम इस पर पेस्ट कर लेते हैं, कुछ इस पर पेस्ट कर लेते हैं और कुछ हम इस पर कार्डबोर्ड पर भी कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह के अलग अलग डिज़ाइन में कटिंग करके अब इसे पेस्ट करेंगे। तो हमारी डिज़ाइन तो कंप्लीट हो गई, लेकिन अब इसे हम किसी मोटी थिक सरफेस पे पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे घर में ईज़िली मिल जाती है, जो सीधे यूज़ होने के बाद फेंक दिया जाता है। ये मेरे पास कुछ, देखिए, ये कोल्ड ड्रिंक की कैप है, अलग अलग चीज़ों की कैप है, ये देखिए, इन सब पे हम पेस्ट करेंगे तो इससे प्रिंटिंग करने में आसानी होगी। अब आपके पास जैसे कोल्ड ड्रिंक की कैप नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, ये आपकी जो आपने डिज़ाइन बनाई है वो थोड़ी बड़ी साइज़ में है, तो इसको आप कैसे पेस्ट करेंगे? जैसे आपकी कैप छोटी है और डिज़ाइन बड़ी है, तो यहाँ पे भी हम बहुत ही ईजी तरीका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड के टुकड़े ले लेंगे, तो आपकी डिज़ाइन जितनी बड़ी है या जिस भी शेप में है उस शेप में और उस साइज़ में इसे फोल्ड करके बड़ा करेंगे। तो ये याद रखिए कि ये चीज़ जो है आपकी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब सरफेस एकदम बराबर रहेगा तभी प्रिंट अच्छी आएगी। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, इसे फोल्ड करने के साथ साथ पेस्ट भी करेंगे बीच बीच में। इस तरह से पेस्ट करेंगे और जो भी साइज़ की आपकी डिज़ाइन है उस शेप में इसे कर लेंगे। अच्छी तरह से शेप देने के बाद इसके ऊपर में और नीचे साइड में ग्लू लगा लेंगे, ताकि अच्छी तरह से सूखने के बाद हार्ड हो जाए। सूखने के बाद फिर इसमें ग्लू लगाएंगे और इसमें जो भी आपकी डिज़ाइन है, जो भी कटिंग है, उसे पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये आपका ब्लॉक रेडी हो गया। ऐसे ही इसे भी बना लेंगे। तो देखिए, इस तरह की ब्लॉक जो है हमारी प्रिंटिंग के लिए रेडी हो गई है। इसे मैंने पेपर रोल करके बना लिया है और यहाँ पे इसे इस तरह से
फोल्ड किया है। ये मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने अपने लिए बहुत सारे ब्लॉक्स बना लिए। पहले मैंने एक दो बना के देखा, उसे ट्राई किया, बहुत अच्छी प्रिंट आई। इस तरह से आप घर बैठे अपने लिए बहुत सारे अलग अलग डिजाइन में ब्लॉक्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को कुछ अल्फाबेट्स वाली प्रिंट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो अल्फाबेट वाली ब्लॉक है, इसको आपको रॉन्ग साइड से ही कट करना है और रॉन्ग साइड में ही पेस्ट करना है, ताकि जब आप प्रिंट करेंगे तो ये फिर सीधी प्रिंट होगी। आप देख लीजिए, जैसे ये लव है तो जैसे मिरर इमेज आता है, बिल्कुल वैसे ही आपको पेस्ट करना है। फिर जब इसे आप प्रिंट करेंगे तो ये सीधी प्रिंट होगी। ये देखिए, मैंने ये यूट्यूब वाला बनाया हुआ है। तो इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं तो उल्टा चिपकाएंगे। तो ब्लॉक बनने के बाद यहाँ से प्रिंट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए प्रिंट करते हैं। इस तरह से आप कोई भी रफ़ कपड़ा ले लेंगे, उसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद जिस कपड़े पर आपको प्रिंट करनी है वो कपड़ा लेंगे। नीचे आपका कोई भी रफ़ कपड़ा होना चाहिए, इस तरह से थोड़ा सा गद्देदार होना चाहिए ताकि प्रेस करते वक्त जो है वो ईज़िली प्रिंट हो सके। और रफ़ कपड़ा इसलिए ताकि आप जिस चीज़ पे आप कपड़े को रख रहे हैं वो आपका ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हम फैब्रिक कलर यूज़ करेंगे। इस तरह की फैब्रिक कलर आपको ईज़िली किसी भी स्टेशनरी या क्राफ्ट शॉप में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रिंट करने का दो तरीका बताऊँगी। पहला टेक्निक ये है कि आप डायरेक्ट इस तरह से कलर लेंगे और जो भी आपने डिज़ाइन बनाई, जैसे मैंने इसमें ये सीज़र बनाया है, इसको डायरेक्ट आप लेके इस पर स्प्रेड कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे और इसके बाद इसको प्रिंट करेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ। दूसरा तरीका बनाने के लिए इस तरह की फोम आती है, 4 mm की ये फोम है, इसको हम लेंगे और इस तरह से रखेंगे। और जो भी कलर आपको चाहिए, जैसे ये मैंने जो कलर मुझे चाहिए मैंने पहले से निकाल लिया है, जैसे ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर को इस तरह से इस पर फोम पे स्प्रेड कर लेंगे। इससे प्रिंट करना आसान हो जाता है और इक्वल प्रिंट होता है। अब इस तरह से जो भी आपका डिज़ाइन है इसको इस तरह से ब्लॉक को रखेंगे और प्रिंट करेंगे। ये देखिए,
फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने छोटी लीफ, छोटे फ्लावर और छोटे छोटे पेटल्स को यूज़ करके बड़े साइज़ में बड़ा डिज़ाइन बनाया है, ताकि आप इसे अगर आप अपने बेडशीट पे, पिलो कवर पे या अपने साड़ी पे भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निक यूज़ करके मैंने कुछ ऐसे ही डिज़ाइन बनाए हैं। आप और भी अच्छे तरीके से डिज़ाइन अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे मेरे साथ द आर्ट एंड फैशन में।